अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं FIA असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का सेकंड मॉक टेस्ट, जो कि फेज थ्री से रिलेटेड हमने ये मॉक टेस्ट की सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जो कि 18 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके टेस्ट। तो इससे पहले मॉक टेस्ट 1 जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है। ये मॉक टेस्ट भी 50 क्वेश्चन का ही है, लेकिन लास्ट मॉक टेस्ट के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस की असाइनमेंट दी गई थी। तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पहले उन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि वो 10 क्वेश्चंस क्या थे, उसके बाद हम अपनी वीडियो की तरफ आएंगे। तो 10 क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट के लिए दिए गए थे आपको लास्ट मॉक टेस्ट में, जो कि मॉक टेस्ट 1 था, वो ये 10 क्वेश्चन थे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है पेरिस। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ, अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 7। हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम शेक्सपियर। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर, वाटर का केमिकल सिंबल जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है H2O। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मार्स। Who was the first president of the United States? United States के पहले president जो है वो कौन थे? तो इसका answer हमारे पास है George Washington. What is the tallest mountain in the world? दुनिया के अंदर सबसे tallest mountain जो है वो कौन सी है? तो इसका answer हमारे पास है Mount Everest. What is the largest mammal on earth? Earth के ऊपर जो है वो largest mammal जो है वो कौन सा है? तो इसका answer हमारे पास है blue whales. Who painted the Mona Lisa? मोनालिजा जो है वो किसने पेंट की? तो इसका आंसर हमारे पास है लियोनार्डो डा विंसी। और हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन अ स्टैंडर्ड सॉकर टीम, एक सॉकर टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 11 प्लेयर्स। तो ये 10 क्वेश्चन है जो कि असाइनमेंट के लिए दिए गए थे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को रिसर्च करते हो तो वो क्वेश्चन आपको मेमोराइज हो जाते हैं। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द रिवर दुनाबे राइजेज इन विच कंट्री, यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो रिवर दुनाबे है वो कौन सी कंट्री में बहता है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। विच यूएस स्टेट हैज द शुगर मैपल एज इट्स स्टेट ट्री एंड इज द लीडिंग यूएस प्रोड्यूसर ऑफ मैपल शुगर, आपने बताना कि कौन सी यूनाइटेड स्टेट की स्टेट है जिसका जो स्टेट ट्री है वो शुगर मैपल है एंड इट्स द लीडिंग यूएस प्रोड्यूसर ऑफ मैपल शुगर। तो इसका आंसर हमारे पास है वर्मोंट। विच कंट्री इज निक नेम्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बैटल्स थ्रू आउट हिस्ट्री फॉट ऑन इट सॉइल, कौन सी कंट्री को द कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? क्योंकि उसकी सरजमीन पे काफी ज्यादा जो है वो जंगे जो है उसके जंगों की तादाद की वजह से उसका निक नेम रखा गया द कॉकपिट ऑफ यूरोप। उस कंट्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बेल्जियम। वट इज द कैपिटल ऑफ लीबिया, लीबिया का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रिपोली। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच जर्मन एंड रोमांस व्हाट इज द फोर्थ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्विट्जरलैंड, चार ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्विट्जरलैंड की, तीन आपको बता दी हैं, फ्रेंच जर्मन एंड रोमांस, फोर्थ वन कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है इटालियन। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कौन सी कंट्री जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी की? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। In which city was the world's first underground train was service opened in 1863? 1863 के अंदर कौन से मुल्क के अंदर पहली अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो ओपन हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन। How many pairs of the ribs are there in the human body? इंसानी जिस्म के अंदर कितने pair of ribs होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 12 pairs. Which country is separated from Ethiopia by the Red Sea? कौन सा मुल्क जो है वो इथोपिया से सेपरेट होता है रेड सी के थ्रू? तो इसका आंसर हमारे पास है यमन। व्हाट इज द मेन पोर्ट ऑफ इटली, इटली का मेन पोर्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जिनोवा। माउंट लोगान इज द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री, माउंट लोगान जो है वो कौन से कंट्री की हाईएस्ट पीक है? तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। इन विच स्टेट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यू जर्सी। Which is larger, Norway or Finland? Norway larger है या Finland larger है? तो इसका आंसर हमारे पास है Finland. Which city was the first capital of the kingdom of Italy until 1865? 1865 तक कौन सा पहला capital था इटली का? तो इसका आंसर हमारे पास है Turin.
व्हाट इज मेजर्ड बाय एन एम मीटर, एम मीटर से क्या चीज मेजर की जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज राइनोसोरस हॉर्न मेड अप ऑफ, जो राइनोसोरस होता है उसका जो हॉर्न होता है वो किस चीज से बना होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है हेयर्स यानी कि बाल। विच थ्री कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मर यूगोस्लाविया शेयर बॉर्डर्स विद ग्रीस, कौन सी तीन कंट्रीज जो है वो ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है अल्बानिया, बल्गेरिया और तुर्की। द पाक स्टेट सेपरेट्स विच टू कंट्रीज, जो एक पाक स्टेट है वो कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया एंड श्रीलंका। GA इज द सिंबल फॉर विच एलिमेंट, GA जो है वो कौन से एलिमेंट का सिंबल है, तो इसका आंसर हमारे पास है गैलियम। इन द ग्रीक अल्फाबेट व्हाट इज द नेम फॉर द लेटर ओ, ग्रीक अल्फाबेट के अंदर ओ लेटर को क्या नेम दिया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओमिक्रोन। व्हाट इज द 16th एंड 17th सेंचुरी वाज़ अ पनावा, पनावा जो है 16 और 17th सेंचुरी में किस चीज को पनावा कहा जाता था, तो इसका आंसर हमारे पास है डांस, डांस को पनावा कहा जाता था 16वीं और 17वीं सदी में। अ नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर नेफ्रॉन जो होता है वो कौन से ऑर्गन का एक फंक्शनल यूनिट है, तो इसका आंसर हमारे पास है किडनीज। जैसे ह्यूमन बॉडी का यूनिट जो है वो सेल है, इसी तरह किडनीज का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। इन विच कंट्री इज द एंशियंट सिटी ऑफ टार्सस, एंशियंट कदीम शहर जो है टार्सस वो कौन से कंट्री के अंदर है, तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। द खैबर पास लिंक्स विच टू कंट्रीज, जो खैबर पास है वो कौन से दो कंट्रीज को लिंक करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेम द 6 यूएस स्टेट्स दैट कंप्राइज न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड को जो 6 यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स है वो कौन सी है जो न्यू इंग्लैंड को कंप्राइज करती है, तो उनके नाम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, मेन, न्यू हैम्पशायर, वर्मोंट एंड मैसाचुसेट्स। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय बोथ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो चलाया जाता है एक्सहेलिंग के थ्रू भी और इनहेलिंग के थ्रू भी, तो इसका आंसर हमारे पास है हारमोनिका और माउथ ऑर्गन। द नॉर्थन पार्ट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड ओसलिंग, कौन सी कंट्री के नॉर्थन पार्ट को ओसलिंग कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के नॉर्थन पार्ट को कहा जाता है ओसलिंग। नेपियर इज अ सिटी इन विच कंट्री, नेपियर जो है वो कौन से मुल्क का सिटी है, तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। व्हाट इज द हुक ऑफ हॉलैंड, हुक ऑफ हॉलैंड जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है अ पोर्ट इन द साउथ ईस्ट नेदरलैंड्स, एक पोर्ट है साउथ ईस्ट नेदरलैंड्स में, उसको कहा जाता है हुक ऑफ हॉलैंड। द रिवर ड्यूरो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, द रिवर ड्यूरो जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो बॉर्डर का पार्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन एंड पुर्तगाल। तो जो रिवर ड्यूरो है ये इस बॉर्डर का पार्ट है जो कि दो कंट्रीज के दरमियान है और कंट्रीज के नाम है स्पेन एंड पुर्तगाल। इन विच कंट्री इज द ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर है, तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना है कि कनाडा के अंदर जो है वो ग्रेट स्लेव लेक है। विच 6 कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी, उन 6 मुल्कों के नाम बताएं जो कि ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, तुर्की एंड यूक्रेन। तो ये 6 कंट्रीज है जो कि ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, काठमांडू जो है वो कौन से कंट्री का कैपिटल है, तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। व्हाट नेम इज गिवन टू अ मिक्सचर ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एंड टार्टरिक एसिड यूज्ड इन कुकिंग, तो आपने इसके अंदर बताना है कि कौन सी चीज जो है मिक्सचर है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा का और टार्टरिक एसिड का जो कि कुकिंग में यूज किया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसका आंसर हमारे पास है बेकिंग पाउडर। AOL आर एन इंटरेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट डज AOL स्टैंड फॉर, AOL जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, AOL की आपने एब्रिविएशन बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है अमेरिका ऑनलाइन। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर्ड की, तो इसका आंसर हमारे पास है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विच इंग्लिश क्वीन हैड एन एक्स्ट्रा फिंगर ऑन हर हैंड, कौन सी इंग्लिश इंग्लिस्तान की क्वीन थी जिनके हैंड में एक एक्स्ट्रा फिंगर थी, तो इसका आंसर हमारे पास है एनी बोलेन। विच प्रीशियस मेटल हैज द सिंबल पीटी,
पीटी जो है वो कौन से प्रेशियस मेटल का सिंबल है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्लैटिनम। द गोबी डेजर्ट एक्सटेंड्स ओवर विच टू कंट्रीज, जो गोबी डेजर्ट है जो कि कोल्डेस्ट डेजर्ट है वो कौन से दो कंट्रीज के ऊपर एक्सटेंड करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड मंगोलिया। अपार्ट फ्रॉम अमेरिका विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू विच एलिगेटर्स आर नेटिव, अमेरिका के अलावा कौन सी दूसरी कंट्री है जहां पर जो मगरमच्छ है एलिगेटर्स जिनको कहा जाता है वो कदीमी है या उधर के नेटिव हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो चाइना के अंदर भी जो है वो एलिगेटर्स जो है वहां के नेटिव है। विच आर द हाइएस्ट टाइप ऑफ क्लाउड्स, स्ट्रेटोकोमुलस और सीरस, अभी दोनों क्लाउड्स की टाइप है स्ट्रेटोकोमुलस और सीरस, इनमें से हाइएस्ट टाइप ऑफ क्लाउड जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है सीरस। Which ancient measure of length was based on the length of the arm from fingertip to elbow? लंबाई का कौन सा कदीम पैमाना उंगली की नोक से कहनी तक बाजू की लंबाई पर मबनी था, तो इसका आंसर हमारे पास है क्यूबिट। 43 हमारे पास है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ट्रांसिल्वेनिया बिकम पार्ट ऑफ विच कंट्री, वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रांसिल्वेनिया जो है वो कौन सी कंट्री का पार्ट बन गया, तो इसका आंसर हमारे पास है रोमेनिया। We see in Northern Europe is bounded by several countries including Sweden, Finland, Poland and Germany. कौन सा सी है Northern Europe के अंदर जो के काफी countries के साथ bounded है, like Sweden, Finland, Poland and Germany. तो आपने उस सी का नाम बताना है, तो इसका आंसर हमारे पास है the Baltic Sea. A road tunnel runs from the Palerins in France and Intravis in Italy under which mountain? किस mountain के अंदर जो है एक road tunnel है जो के run करती है from the France to Italy? फ्रांस के अंदर जो जगह है वो पैलेडिन्स है और इटली के अंदर जो है वो इंटरवेस है, तो वो कौन सी रोड टनल है, तो इसका आंसर हमारे पास है, आपने रोड टनल का कोई नाम नहीं, आपने उस माउंटेन का नाम बताना है जिसके अंडर ये रोड टनल है, तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक की ऐसी माउंटेन है जहां जिसके अंडर जो है वो रोड टनल रन करती है जो फ्रांस से इटली तक जाती है। द बैरेंट सी इज अ पार्ट ऑफ विच ओशन, बैरेंट सी जो है वो कौन से ओशन का पार्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है आर्कटिक। Which two countries are either side of the mouth of the river plate? कौन सी दो countries जो है वो mouth के इधर either side पे है river plate के, तो इसका आंसर हमारे पास है Argentina and Uruguay. तो आपने याद रखना है कि Argentina और Uruguay जो है they are either side of the mouth of the river plate. Quick lime is an alkaline powder obtained by strongly heating which other material? Quick lime जो है एक alkaline powder है जो कि obtain किया जाता है एक substance को material को strongly heat करने से, कौन से मटेरियल को हीट करने से, तो इसका आंसर हमारे पास है चाक। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर सोलली इन इंग्लैंड, लॉन्गेस्ट रिवर जो है इंग्लैंड के अंदर कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है थेम्स। द ग्रेट बैरियर रीफ इज ऑफ कोस्ट ऑफ विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसकी कौन सी ऑस्ट्रेलियन स्टेट की ऑफ कोस्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है क्वींसलैंड। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। अब जैसे कि पिछले मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के लिए दिए गए थे, तो इस वीडियो के अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के लिए दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन है फॉर द असाइनमेंट के लिए, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, आपको ये क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट गैट्सबी, विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर हीलियम, Who was the first woman to win a Nobel Prize? Which country is known for the pyramids of Giza? Which is the tallest animal on earth? Who wrote the poem The Raven? Which country is known as the land of midnight sun? And what is the currency of Japan? तो ये 10 questions हैं आपके assignment के लिए, और आपने comments पे जो है इनके answers बताने हैं, और इनको हम जो है वो जो हमारा third mock test होगा उसके अंदर हम discuss कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा informative और useful रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने next video में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।